ये मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र के अंतर चुप हो जाए तो जीते जी भगवान को पाओ। अरे भाई मीरा ने जीते जी पाया, तुलसीदास ने जीते जी पाया, नडाल जीते पा, जब कलयुग में हिड़गो ने जीते जी बहुत महात्मा महापुरुषों ने उसे पूरे प्राप्त कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन कोई महापुरुष प्राप्त करने वाला मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जीवन अपना ऐसे ही चला जाए। ये जो आप कर्म करते हो ये इंद्रियों का बाहर का कर्म है, जड़ ये फिर शरीर मिलेगा, अब की बार आप तो चला गया तो ये गांव आपको, ये बच्चे आपको, ये सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो दूसरी योनी में कई जंगल में बंद कर लेगा, वहां करोड़ों वर्षों तक बंद करो रोते चलाते रहो, उस दुख और दर्द में कौन सुनवाई करेगा, और नरकों में भेज दिया तो वहां कितने नाम के नरक है उसमें सजाए देगा, वहां से लौट के आ नहीं सकते। इस मनु शरीर को सार्थक करो, किसी महात्मा की खोज करके उसे पूछो भगवान के मिलने का कौन सा रास्ता, तो जो जानता होगा रास्ता तुमको मनु शरीर में बताएगा। फिर घर में आके दिन में खेती करो, दुकान और दफ्तर में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और एक घंटे का समय लगाकर मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का अपनी जीवात्मा से भजन, तब वो परमात्मा मिलेगा। जीते जी मरने के बाद बच्चा मिलने वाला नहीं है, तुम ये सोचते हो कि मेरे लोग पीछे के चले गए तो स्वर्ग चले गए, उनकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे पास में आई है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो दर्शन के दरवाजे पर, और तुमको भी पता नहीं।